रेडमी नोट 12 प्रो 5G चीन की कंपनी शुआमी ने अपने दो नए स्मार्टफोन भारत में पेश करने जा रही हैं। कंपनी ने अब खुद फोन की लॉन्चिंग डेट की घोषणा की है। जानिए कब पेश होने जा रहे हैं ये दो स्मार्टफोन। कंपनी शुआमी ने अपनी रेडमी नोट 12 प्रो सीरीज को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इस सीरीज में कंपनी दो स्मार्टफोन को पेश करने जा रही है, जिसमें Redmi Note 12 Pro 5G और दूसरा है Redmi Note 12 Pro Plus 5G शामिल। कंपनी ने भारत में मौजूद अपने आधिकारिक ट्विट अकाउंट Redmi Indian से ट्वीट कर इस सीरीज की लॉन्चिंग डेट की घोषणा कर दी है। Redmi भारत में 5 जनवरी 2023 को Redmi Note 12 Pro 5G को लॉन्च करेगा। इसी के साथ कंपनी सीरीज का दूसरा मॉडल Redmi Note 12 Pro Plus 5G पेश करने आ रही हैं। फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगे। इस सीरीज के लॉन्च होने से पहले ही फ्लिपकार्ट पर इसके कुछ फीचर्स की लिस्ट हो गए हैं, जो बता दें कि Redmi Note 12 Pro सीरीज के स्मार्टफोन बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध हैं। Redmi Note 12 Pro सीरीज चीन में पहले से ही पेश हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन में पेश हुए फीचर्स वाले ही Redmi Note 12 Pro 5G को भारत में भी लाया जाएगा। Redmi Note 12 Pro की संभावित फीचर्स प्रोसेसर, इस फोन में MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर दिया जा सकता है। कैमरा, इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, बैक कैमरा हो सकता है। इसके अलावा आपको इसमें 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा भी शामिल हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए फ़ोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा हो सकता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई मिलेगी। इसके साथ फ़ोन में 120 रिफ्रेश रेट भी दिया जा सकता है और बैटरी बैकअप इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है। इसके साथ आपको 67 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग फीचर्स भी दिया जा सकता है। रैम और मेमोरी Redmi के इस फोन में 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज भी मिल सकता है। Redmi Note 12 Pro Plus के संभावित फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, कई अच्छे फीचर्स भी मौजूद रहेंगे इसके अंदर। रिपोर्ट के अनुसार इस फोन में Redmi पहली बार 200 मेगापिक्सल का मैन बैक कैमरा दे सकता है। इसके अलावा फोन में Dimensity MediaTek 1080 प्रोसेसर लगा हो सकता है। इस फोन में कंपनी 120 वाट का फास्ट चार्जिंग फीचर्स भी दे सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में भारत में 3 स्टोरेज वेरिएंट में इसे लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज की कीमत 24,999 रुपये हो सकती है। अगर 8 रैम 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत की बात करते हैं तो 26,999 रुपये रहेगी और 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत देखी जाती है यहाँ पर तो 28,999 रुपये हो सकती हैं। विशेष रूप से इन कीमत में बैंक ऑफर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा ये सारे फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिलेंगे। फोन की लॉन्चिंग डेट 5 जनवरी 2023 दी गई है। स्मार्टफोन 11 जनवरी को भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, इसमें आपको 5000 mAh बैटरी के साथ 120 वाट का फास्ट चार्जिंग जो देखने को मिलेगा। इस फोन में स्मार्टफोन सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज हो सकता है। ऐसे ढेर सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। Redmi Note 12 Pro Plus में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट करने की संभावना है। फ्रेंड, अगर आप नया स्मार्टफोन 5G फोन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है और बहुत ही अच्छा फोन है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।